चना की दाल और बैंगन बनाने जा रहे हैं। 1 किलो बैंगन है, ये 1 किलो बैंगन है, आधी किलो चने की दाल है, चने की दाल और प्याज ये हमने काट रखा है, ये हरी मिर्ची है थोड़ी सी अदरक लेंगे हम, और थोड़ा सा प्याज लहसुन, ये हरा लहसुन है, ये हरा लहसुन हम डालेंगे, अगर नहीं मिलता तो पुती डाल लें, गट्ठा आता है जो पुती डाल लें, हरा लहसुन डालेंगे। आइए देखें कैसे बनाते हैं। इनको हम इस तरह से काट लेंगे, बस छील लिया है, छील के अब इनको हम काट रहे हैं, अब काट के इनको हम आगे देखें कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं, सरसों का तेल ले लिया हमने, ये तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें इतना सा जीरा डालेंगे, एक चुटकी थोड़ी सी अदरक डालेंगे, लहसुन कटा हुआ है हरा लहसुन, नहीं हरा लहसुन हो तो कुछ भी डाल सकते हो लहसुन, और ये हरी मिर्ची और ये प्याज छोटा छोटा काट लिया हमने, अब इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, ये हल्दी पाउडर और ये मेथी दाल मिर्च और इतना धनिया पाउडर, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, अच्छे से बन गया, ये भी मसाला अच्छे से बन गया। ये दाल हमने अच्छे से ले लिया, चने की दाल, अब ये हम बैंगन डाल रहे हैं, कटे हुए बैंगन, दाल बैंगन की सब्जी बना के देखना बहुत अच्छी बनती है, वही मुझे तो बहुत पसंद है। टमाटर डाले गए हैं, हम टमाटर डालेंगे, ये टमाटर पड़ गए, पानी बहुत है, अब इसमें हम तीन या चार सीटी मारेंगे, चार सीटी तो हर हाल में लगानी है, अब इसमें चार सीटी मार दी हमने, और अब इसको हम थोड़ा खोल के पकाएंगे जिससे पानी इसका थोड़ा उड़ जाए, लगता है पानी थोड़ा ज़्यादा लग गया, इससे ये अपना
अब ये सब बन गई है और कोई सब इसको बंद करेंगे और हरा धनिया बना के खा के देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। जैसे मैंने बनाया वैसे बताया, वैसे आप बना के देखना, बहुत पसंद आएगी आपको। चावल के साथ खाएं चाहे चपाती के साथ खाएं, जैसी इच्छा हो अच्छी लगती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।